शनिवार को गोरखपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। सुबह हुई मुठभेड़ में जहां बदमाश को पैर में गोली लगी, वहीं दो सिपाही भी घायल हुए। इन लोगों का प्राथमिक इलाज जिला अस्पताल में करने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर शनिवार को 25,000 के इनामी बदमाश हरिओम कश्यप उर्फ नाटे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने घेराबंदी कि अपने को घिरता देख अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने अपराधी को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपराधी की गोली से दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर जंघा थाने में कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। हरिओम कश्यप उर्फ नाटे को गिरफ्तार किया गया है और ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। ये 25,000 रुपये का रिवार्ड इसके ऊपर था और अभी तक जो हमारी जानकारी प्राप्त हुई है तो उसमें इसके ऊपर 18 मुकदमे हैं और जिसके अंदर गैंगस्टर के भी मुकदमे, लूट के मुकदमे, गैंगस्टर के मुकदमे इसके ऊपर दो बार हैं। ये मूलतः जहाँ का रहने वाला है। पिछले महीने 13 जुलाई के दिन इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम हुआ था और रात में जब चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी तो पुलिस को देख के ये लोग फायरिंग कर रहे थे। इसके अंदर आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया जिसके अंदर इसको गोली लगी है। हाल में इसके पास से एक जो है पिस्टल भी बरामद हुई है, बाइक भी बरामद हुई है। इसका एक साथी जो साथ में था फरार हुआ, उसकी तलाश की जा रही है। 3 पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुए हैं, जो मजरूफ है उसको मेडिकल हॉस्पिटल लेके गए हैं जिसकी कंडीशन ठीक है। आवश्यकता के हिसाब से जो और मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा, बाकी से विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो जैसा मैंने बताया 14 मुकदमे जो थे इसके ऊपर 307 के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं, इसके अलावा चोरी के मुकदमे हैं, 2 गैंगस्टर के मुकदमे हैं और लूट का मुकदमा है। ये सारे मुकदमे इसके ऊपर